नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हम हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में मौजूद हैं और यहां मौजूद होने का कारण है कि यहां जो प्रदेश के तमाम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें खेल मुख्य सचिव मौजूद रहे और उनके साथ तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ के स्टेडियम का जायज़ा लिया, यहाँ में क्या सुविधा जो बच्चों है जो खिलाड़ी उनको प्रोवाइड की जा रही है उनका जायज़ा लेते हुए नज़र आए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और कुछ प्रतिभावान छात्राओं से बात करते हैं, प्रतिभावान खिलाड़ियों से बात करते हैं कि किस प्रकार का अनुभव उनके साथ रहा और क्या प्रकार का आश्वासन उनके द्वारा उन्हें दिया गया है। नमस्कार सर। सर, अभी आपके द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है, तो किस प्रकार की तैयारियाँ आपने देखी, क्या यहाँ तैयारी? देखिए, तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं और हमारे पास अभी चूँकि समय कम है, मैं तो कहूँगा समय कम है, हमारा टाइम शुरू हो चुका उस दिन से जिस दिन हमें फ्लैग मिला, तो हमें नेशनल गेम्स की तैयारी करनी है और नेशनल गेम्स कैसे सक्सेसफुली संपन्न करा सकें उसके लिए तैयारियां हो रही है। हमारी पूरी स्पोर्ट्स की टीम लगी हुई है, पूरे राज्य की टीम लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इसको अच्छे तरह से करा लेंगे। आपने भी निरीक्षण किया, आपको किस प्रकार की जो कमी देखने को मिली कि अगर आप उसमें काम कर सके जिससे कि हम अच्छा प्रदर्शन करें आगे, किस प्रकार की कमी आपको देखने को मिली? देखिए, ऐसी कमी की बात मैं नहीं कहूँगा, हाँ ये जरूर कहूँगा कि जो फर्स्ट भी होता है ना, तो उसको भी और अगले साल फर्स्ट होने के लिए और तैयारी करनी पड़ती है। अगर मुझे पता है कि मैं 100 मीटर अगर 10 सेकंड में दौड़ रहा हूँ तो अगले साल मैं 9.9 सेकंड में दौड़ने की कोशिश करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ वो तैयारी है। तैयारी अभी करनी है आगे? जी बिल्कुल, तैयारी करनी है, तैयारी में कभी सुस्ती नहीं बरतनी है। ये निरीक्षण अभी कितनी बार किया गया है या इससे आगे और आगे कितनी? मैं तो अभी एक बार किया है मैंने, मैं कोशिश करूँगा कि हर महीने एक दौरा हो इस तरह का जिसमें कि हम देख सकें। हर महीने एक दौरा, इससे पहले किस तरह का दौरा आपका हुआ है, इससे पहले किस तरह का दौरा यहाँ पे निरीक्षण किया गया आपके द्वारा? अभी मेरे द्वारा नहीं किया गया। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम नव्या पांडे है। जैसे कि अभी आपका सचिव साहब से बात हुई आपकी, तो किस प्रकार का आश्वासन द्वारा आपको दिया गया कि आप काफ़ी बातें आप रख रही थी अपनी उनके सामने, किस प्रकार की बात करें? सबसे पहली बात तो मैं एक जुजुत्सु खिलाड़ी हूँ और अभी हाल ही में जैसा कि आपको पता है अभी हमारे 19वें एशियन गेम्स हुए थे चाइना में, तो मैंने अपने गेम में अपने देश का प्रतिनिधित्व करा था उसमें, जिसमें उत्तराखंड के केवल 8 खिलाड़ी गए थे और जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो आज जब सचिव जी हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो हमारे बेहतर के लिए प्रयास करेंगे और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि वो जल्दी से जल्दी जो भी हमें चीज़ जो भी हमारी चीज़ कमी रही जिसकी वजह से हम थोड़ा सा मेडल में चूक गए, तो वो पूरा हमें भरपूर सपोर्ट करेंगे, ये उन्होंने हमारे लिए कहा है। अभी आपकी कोई खास बातचीत उनसे हुई हो या आपने कोई कमियाँ गिनाई हो कि इसके उससे हमारा मेडल इस बार चूका है, उसमें आप ध्यान दीजिए, किसी प्रकार की मांग आपकी तरफ से रखी गई हो उनके सामने? भी आप खिलाड़ी हैं और बहुत युवा खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम इतने सालों से खेल रहे हैं तो हमारा गेम अभी नया है, तो हमने मांग करी है कि वो नेशनल गेम्स में भी आना चाहिए और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है कि हमारा गेम अगले साल के नेशनल गेम्स में भी होगा जो कि उत्तराखंड में होने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी हमें चाहिए जैसे कि हमारी नौकरी हो गई या हमें जितना भी हमारा गेम का खर्चा हो गया, तो हमें आश्वासन देकर गए हैं कि उनकी तरफ से पूर्णतः प्रयास किए जाएंगे जिससे हमारा गेम जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और उन्नति प्राप्त करें। किस प्रकार का गेम आप खेलती है, कौन सा गेम आप? मैं जुजुत्सु मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ जो कि एशियन गेम्स का एक रेगुलर स्पोर्ट है, जो कि आप देखते होंगे रेसलिंग जैसा ही होता है, तो वो एक तरह का बहुत ही पुराना मार्शल आर्ट है जिससे सारे मार्शल आर्ट्स इवॉल्व हुए हैं, तो उत्तराखंड में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत गर्व की बात महसूस करती हूँ कि 8 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी मैं ऐसी थी जिसको एशियन गेम्स में खेलने का मौका मिला। इससे पूर्व भी मैं कई बार एशियन चैम्पियनशिप में भी जाकर इंडिया का नाम ऊंचा कर चुकी हूँ और कांस्य पदक हासिल कर चुकी हूँ और साथ ही साथ 5 बार की नेशनल चैम्पियन भी रह चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के और हम आपको और शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत अच्छा अपने जीवन में करें और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल टाइम देने के लिए। तो जैसे कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि किस प्रकार जो यहाँ के राज्य के खेल सचिव हैं उनके द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया है और आगे आने वाले जो नेशनल खेल्स हैं उनमें कैसे उत्तराखंड राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन करें, इसको देखते हुए ये निरीक्षण किया गया है। उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद थे और कुछ खिलाड़ियों ने भी उनसे बात की और अपनी जो मांगे हैं उनके सामने रखी हैं और उन्होंने उनको एक आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, वो केवल अपने खेल में ध्यान दें और अच्छा प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करें, इस प्रकार की बात करते हुए नजर आए। फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, जेजेएन न्यूज़, हल्द्वानी, नमस्कार।